Bienvenue. That's welcome in French. Welcome to Learn English class. तो आज हम एक बहुत ही basic concept सीखेंगे और वो है punctuation. Punctuation marks. यानी ये जो punctuation mark है ये spoken English में हमारा काम बिल्कुल भी नहीं आता है. But written English में punctuation marks हमारे बहुत use आता है और इसके लिए हमें punctuation marks सीखना चाहिए. जैसे कि हम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी होता है, जैसे कि हम एग्जाम लिखते हैं तो हम रिटन इंग्लिश में लिखते हैं, तो इसलिए रिटन इंग्लिश में पंक्चुएशन बहुत जरूरी होता है, उसके बिना हमारे मार्क्स भी कट सकते हैं. तो उसके लिए एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मोस्ट कॉमनली यूज पंक्चुएशन यूज कर ही लेंगे. तो हमारा सबसे पहला पंक्चुएशन मार्क और सबसे मोस्ट कॉमनली यूज है फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप को हम इंग्लिश में पीरियड भी कहते हैं. फुल स्टॉप हर एक सेंटेंस को खत्म करने के बाद यूज किया जाता है. जैसे कि द कैट इज स्लीपिंग, तो उसके बाद हम द कैट इज स्लीपिंग यानी वो बिल्ली सो रही है, तो द कैट इज स्लीपिंग के बाद हम एक फुल स्टॉप डालेंगे ये बताने के लिए, ये इंडिकेट करने के लिए कि वो सेंटेंस अब खत्म हो चुका है. तो उसके लिए हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं. जैसे कि हमने कल जो हमने पढ़ा था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं. फिर आता है कॉमा. कॉमा यानी जब हम जैसे कि हम बोलते हैं बनानास एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, या फिर हम बोलेंगे सॉल्ट शुगर एंड मैदा आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. तो इसमें हम सॉल्ट शुगर एंड मैदा जब बोलते हैं तो सॉल्ट और शुगर हम एक साथ बोलते हैं, तो उसको अलग करने के लिए हम फुल स्टॉप तो यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो सेंटेंस को खत्म करता है, पर हमें यहाँ पे सेंटेंस कंटिन्यूएशन में रखना है, तो इसके लिए हम कॉमा का यूज कर सकते हैं या फिर कॉमा के और भी यूजेस हैं नॉर्मल इंग्लिश में. फिर है क्वेश्चन मार्क. तो क्वेश्चन मार्क हम क्वेश्चंस यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं. जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग के बाद हम एक क्वेश्चन मार्क डालते हैं, ताकि ये जैसे कि हम अभी हम इंग्लिश में हम स्पीक कर रहे हैं तो हमें पता चलता है टोन से कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पर जब हम लिखते हैं तो ऐसा कोई टोन से हमें पता नहीं चल सकता, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं. दैट आर यूज इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. फिर है एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क यानी जैसे कि हम बहुत ही खुश हैं, एंग्री है, सरप्राइज्ड है या फिर एक्साइटेड है, तो इन सब के लिए इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का उपयोग करते हैं. जो हमने कल पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, जो कि ऐसा होता है. उसके बाद एपोस्ट्रोफी आता है. एपोस्ट्रोफी यानी हम पजेसिवनेस के लिए उपयोग करते हैं. जैसे कि हम बोलते हैं दिस इज नेहास मार्कर, तो जब हम बोलते हैं नेहास तो हम हमेशा इसके बाद जो एस के आगे एक एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, जो हमें बताता है कि ये उसकी पेन है, ये नेहा की पेन है. उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, जो ऐसे होता है जो हम ऊपर डालते हैं हर एक वर्ड के. फिर आता है कोटेशन मार्क. कोटेशन मार्क है जैसे कि हम कुछ भी कोट बोलते हैं, जैसे कि वर्क इज वर्शिप, तो जब हम बोलते हैं वर्क इज वर्शिप तो इट इज नॉट अ कॉमन सेंटेंस, वो एक कोट है, तो उसके लिए हम कोटेशन मार्क आसपास डालते हैं. जैसे कि हम या फिर एक्टिव वॉइस में हम उसका यूज करते हैं. जैसे कि हम कुछ भी बोले द टीचर सेड कंप्लीट द होमवर्क बाय टुमारो, तो जब द टीचर ने क्या कहा उसको हम अलग से लिखने के लिए हम कोटेशन मार्क बोलते हैं, यानी जो भी टीचर ने बोला उसे कोटेशन मार्क के अंदर राइट करते हैं. उसके बाद आता है हाइफिन. इसे मोस्टली डैश कहते हैं, पर इसका असली नाम हाइफिन है, जो कि ऐसा होता है. ये हमारे सेंटेंस कंबाइंड सेंटेंसेस या सेंटेंसेस के मीनिंग बताने के लिए ये बहुत यूज करते हैं. जैसे कि ये मैंने फुल स्टॉप और ये फुल स्टॉप का मार्क दिखाया, तो उसके बीच में मैंने एक हाइफन दिखाया है जो इस दोनों को जोड़ रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों ये नहीं होगा तो हमें ठीक तरह से समझ में नहीं आएगा, तो इसके लिए हम हाइफन का यूज करते हैं. और वैसे ही कॉलन का भी यूज वैसे ही होता है, एंड देयर इज आल्सो सेमीकॉलन, उसका भी हम यूज सेंटेंसेस में कई बार करते हैं. और उसके बाद आता है स्लैश. स्लैश यानी हम और को इंडिकेट करने के लिए लिखते हैं. जैसे कि मैं अगर लिखूं कि नेहा और पारुल, तो इसमें हम अगर ऐसे नाम लिखते हैं तो इसमें अगर हमें और लिखने की जगह ना हो तो हम मार्क से ऐसे टेढ़ा लाइन खींच सकते हैं, उसे हम कहते हैं स्लैश. और उसके बाद आता है ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स यानी हम कोई चीज हमें एक सेंटेंस लिखनी है पर उसमें हमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, पर वो सेंटेंस में हमें नहीं लिखना है, तो इसके लिए हम ब्रैकेट्स का उपयोग करते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है पंक्चुएशन, तो अगर मुझे रिटन इंग्लिश हाइफिन में नहीं लिखना तो मैं ऐसे ब्रैकेट्स बना के लिख सकती हूँ, इससे हमें पता चलेगा कि ये रिटन इंग्लिश में यूज किया जाता है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं.
फिर एक और मार्क होता है जो हम यूज करते हैं, वो होता है एलिप्सिस, उसे हम कहते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस यानी जैसे कि ये तीन डॉट का जो होता है मार्क, उसे क्या हम कहते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस यानी जैसे कि हम कोई सीरीज देखते हैं तो उसमें पार्ट वन देखने के बाद हमेशा लिखा होता है टू बी कंटिन्यू, तो टू बी कंटिन्यू के बाद ऐसे तीन डॉट रहते हैं, यानी सेंटेंस हम खत्म नहीं कर रहे पूरी तरह से, बट हम फुल स्टॉप की जगह एलिप्सिस को यूज करते हैं, उसे हम एलिप्सिस कहते हैं, ELIPSIS। और एक और होता है परेंथीज, वो एक अलग तरह का ब्रैकेट होता है, वो भी एक तरह का ब्रैकेट ही होता है जो कि ऐसे ही यूज किया जाता है। तो ये दोनों अगर आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में देखोगे तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपको अलग दिखेंगे, बिकॉज दे आर डिफरेंट मार्क्स। तो ये है हमारे सबसे बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स जो हमें याद रखने चाहिए। अंजलिना, आज हमको बात किया ये पंक्चुएशन का इम्पोर्टेंस, पंक्चुएशन कैसे करेंगे, कोमा का, फिर एक्सक्लेमेशन सेंटेंस, फिर फुल स्टॉप, सेमी कोलन, सो अलग ही अलग ही चीज हम लोग पढ़ा। कोमा ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, मालूम है, एक स्टोरी है। कुछ समय के पहले एक जनरल ऑर्डर दे दिया, उनका एक मिलिट्री मैन कुछ गलती किया, सो उन्होंने पनिशमेंट डिक्लेयर कर दिया, सो ऑर्डर पे ऐसा लिखा, किल हिम नॉट वेट फॉर मी। सेंटेंस दोनों सही है, किल हिम नॉट वेट फॉर मी, बट उन्होंने बाहर जाने के पहले ये ऑर्डर पे मन पे ऐसा सोचा, किल हिम नॉट वेट फॉर मी, उन्होंने बाहर जा रहे उनका काम खत्म करो, बट मन पे ये सोचा, बट उन्होंने ये कोमा इधर पे डाला, सो उसका फायदा क्या मिला, किल हिम नॉट वेट फॉर मी। उनका जूनियर वो ऑर्डर देखा है तो है, किल हिम नॉट वेट फॉर मी, उन्होंने वापस आने तक वेट करो, ऐसा इंटरप्रेट किया, सही है, कोमा उधर है, उनका लाइफ आगे बढ़ा। इतना इंपॉर्टेंस है कोमा, छोटा चीज नहीं है, लाइफ बचा सकता है, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ा, यस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।